दोस्तों, जब भी आप स्टारमेकर पे फर्स्ट रिचार्ज को देखते होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि गाइस जो है यहाँ पे स्टारमेकर पे जो भी हम आईडी बनाते हैं उस पे जो है मिनिमम 10 रुपये का रिचार्ज करके फर्स्ट रिचार्ज वाला जो है बेनिफिट ले सके। यहाँ पे फर्स्ट रिचार्ज में दिया हुआ है कि भाई आप जो है अगर मिनिमम यहाँ पे 10 कॉइंस का रिचार्ज करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि भाई यहाँ पे 10 रुपये वाला कोई रिचार्ज है ही नहीं। यहाँ पे जो शुरुआत होता है आपका 45 रुपये से होता है, तो मिनिमम आपके पास में 45 रुपये होना ही होना चाहिए। अब गाइस अगर यहाँ पे मैं आपको तरीका बता दूं कि 10 रुपये का आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, और 10 रुपये का रिचार्ज भी आपको अपनी जेब से नहीं करना है, एकदम फ्री में होने वाला है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे फर्स्ट रिचार्ज का सारा बेनिफिट आपको आपकी आईडी पे मिल जाएगा जो भी आप न्यू आईडी क्रिएट करेंगे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉक हो जाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि स्टारमेकर से रिलेटेड ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप रिचार्ज करने जाते हैं गाइज़, तो जितने भी रुपये का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 45 रुपये का रिचार्ज किया तो मुझे 9 पॉइंट्स यहाँ पे गूगल प्ले पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने जो है अगर मैं 60 रुपये का रिचार्ज किया तो यहाँ पे तब भी मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा रुपये का आप रिचार्ज किया यहाँ पे 19 पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 420 का करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नियर अबाउट 138 पॉइंट्स मिल जाता है। तो गाइज अगर आप जो है स्टारमेकर पे कभी भी रिचार्ज करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके अकाउंट में ज़रूर कलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। अब गाइज ये पॉइंट्स आपको कलेक्ट कर लेना है। अगर आप रिचार्ज नहीं भी करते तो ये पॉइंट्स जो है प्ले पॉइंट्स आप फ्री में भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए आपको हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, अपने जो प्ले स्टोर पर आपका अकाउंट लॉगिन होगा उस पर जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे प्ले पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ब्रॉन्ज लेवल पे चल रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं सिल्वर पे पहुँचने वाला हूँ। 8 पॉइंट मेरे और हो जाएंगे तो मैं सिल्वर पॉइंट्स पे पहुँच जाऊँगा। तो गाइज यहाँ पे आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिए होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल एंड अर्न 10 पॉइंट्स। यहाँ पे ये अलग अलग ऐप्स आते रहते हैं, इनको आपको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे और भी ऐप है, इनको इंस्टॉल करने पर 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब गाइज ये जो प्ले पॉइंट आपको मिलता है गाइज, आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जो है 200 पॉइंट्स करना होगा। अगर आपको यहाँ पे 10 रुपये का स्टारमेकर का रिचार्ज करना है तो 200 पॉइंट्स होने चाहिए। अभी हमारे अकाउंट में फिलहाल के लिए देख लीजिए 242 पॉइंट्स हो गए हैं। यहाँ पे पक्स के ऑप्शन पे भी आपको जो है हर एक वीक जो है यहां पे वीकली कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है गाइस कि आपको यहां पे सिंपली 242 पॉइंट्स आपको प्ले पॉइंट्स यहां पे कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है आइलैंड। तो यहाँ पे सिंपली मैंने आइलैंड जो है यहाँ पे सर्च कर लिया है और यहाँ पे देखिए आइलैंड आ भी चुका है। सिंपली इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बताऊंगा, तो आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा। यहाँ पे सिंपली मेरा आइलैंड एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सिंपली सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपकी एक प्रोफाइल सेट करेगा और जल्दी ही आप जो है यहाँ पे, जैसे आपका प्रोफाइल जो सेट हो जाएगा गाइज, तो यहाँ पे आपका एक नया स्पेस बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं कि हमारा ये जो है नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हमारा एक नया स्पेस बन गया है। अब सिंपली यहाँ पे आपको मेन लैंड पे जाना है गाइज, और मेन लैंड पे जाने के बाद में गाइज यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, स्टार मेकर का एक सिंपली क्लोन आपको बना लेना है। इस पर क्लिक करेंगे स्टार मेकर पे और यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लोन लिखा हुआ है, क्लोन ऐप टू, तो आइलैंड पे आपको क्लोन कर लेना है। तो सिंपली आप आइलैंड पे क्लोन करने के लिए गाइज यहाँ पे आपको एक जो है गूगल प्ले अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे वही अकाउंट लॉगिन कर लेना है जो कि आपका जो है प्ले स्टोर पे लॉगिन है, जिसमें आपके पॉइंट्स जो है वो कलेक्टेड है। तो चलिए फटाफट हम वही अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको सारा कुछ समझा देते हैं। और यहाँ पे आपका अकाउंट एकदम सेफ रहने वाला है क्योंकि ये एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर पे है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने वही अकाउंट सिंपली यहाँ वाला जो आइलैंड वाला गूगल प्ले स्टोर है इस पे मैंने लॉगिन कर लिया है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार मेकर आपको इसी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली जाना है, स्टार मेकर लिख के सर्च कर लेना है और यहाँ पे गाइस आपका स्टार मेकर जो है ना वो आपका एक तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल का बटन आएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट आपका स्टारमेकर जो है इंस्टॉल हो गया है। सिंपली इसको ओपन करना है, आपको वही अकाउंट लॉगिन कर लेना है जो आपने अभी नया अकाउंट क्रिएट किया है। सिंपली अगर आपके पास में कोई नया अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे गूगल से आप एक अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक नया अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमारा एक अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, एकदम नया अकाउंट है गाइज। यहाँ पे सारा कुछ मैं फिल कर लूँगा।
सेव कर दूंगा और यहाँ पे जो है डेटा ऑफ बर्थ जो भी होगी आपकी सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है फिलहाल के लिए क्रिएट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आपको देखना है कि आप जो है फर्स्ट रिचार्ज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और आपकी आईडी मल्टी तो नहीं होगी, वो सारा कुछ आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में ही रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आना है, नीचे आना है और यहाँ पे फर्स्ट रिचार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे देखिए रिचार्ज जो आपका है ये रेड कलर में शो कर, पिंक कलर में शो करेगा, ठीक है। अगर ये पिंक कलर में शो नहीं कर रहा तो मींस आप एलिजिबल नहीं। यहाँ पे देखिए अभी पिंक कलर में शो कर रहा है, मींस हम रिचार्ज के लिए एलिजिबल हैं। और आपको यहाँ पे पार्टी रूम में भी ले जाके दिखा देते कि हमारी आईडी मल्टी तो नहीं हुई है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस आ चुके हैं हम पार्टी रूम में, और यहाँ पे देखिए हमारी आईडी जो है फिलहाल के लिए वर्किंग है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, सब कुछ डन हो गया है, अब फटाफट हमको रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको अपने आइलैंड पे फिर से आना होगा गाइस, और यहाँ पे जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे, इसको ओपन कर लेना होगा। आपको जाना होगा अपने अकाउंट पे और यहाँ पे प्ले पॉइंट्स वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद में गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यूज़ वाले ऑप्शन पे जाना होगा, पॉइंट्स को यूज़ करना, और इसके बाद में सबसे नीचे आपको चले जाना है। यहाँ पे ही नीचे आपको जो है स्टार मेकर का यहाँ पे देख लीजिए 10 कॉइन्स दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 200 पॉइंट्स का होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे रिचार्ज कर लेते हैं। तो 200 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपका जो अकाउंट है ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको यूज़ पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है अपने अकाउंट का, जो भी आपका जीमेल का अकाउंट हो उसका पासवर्ड फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है, वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम सारा कुछ कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है, सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा और देखता हूँ यहाँ पे रिचार्ज होता है या नहीं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख के आ गया गाइज, यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, मीन्स हमारा जो रिचार्ज है वो हो चुका है। तो चलिए फटाफट अपने अकाउंट पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रिचार्ज, हमारे कॉइन्स आए हैं और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो फर्स्ट रिचार्ज है वो हो गया या नहीं। तो यहाँ पे फिर से अपने स्टार मेकर पे जाऊँगा, जो कि आपका आइलैंड में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मैं स्टार मेकर पे आ चुका हूँ गाइज, अब सिंपली जाऊँगा अपने अकाउंट पे और सेटिंग में देख सकते हैं गाइज हमारा 10 कॉइन्स यहाँ पे सक्सेसफुली जो है आ चुका है, और फर्स्ट रिचार्ज भी आपको दिखाऊँगा कि ओपन हुआ या नहीं। यहाँ पे गाइज देखिए यहाँ पे हमारा जो है 10 कॉइन्स सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है, और अब यहाँ पे जो है फर्स्ट रिचार्ज पे क्लिक करूँगा गाइज, और यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डियर यूज़र आप जो है ऑलरेडी रिवार्ड को रिसीव कर चुके हैं। अब सिंपली अपने रूम में जाऊँगा और आपको यही रिवार्ड जो है थ्रो करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे सिंपली अपना पार्टी रूम सर्च करूँगा और यहाँ पे पार्टी रूम में जाना है मुझे, और यहाँ पे गाइज आप देखिए गाइज यहाँ पे आपका सारा जो है रिवार्ड्स ओपन हो चुका है। इसको सिंपली अपने रूम में मैं यहाँ पे मारूंगा, क्योंकि भाई आईडी कब मल्टी हो जाए इसका। लेकिन यहाँ पे गाइज अभी 3 आवर्स आपको वेट करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी मैंने किया है। तो 3 आवर्स के बाद में मैं इसको यहाँ पे सिंपली जो है थ्रो कर दूंगा और हमारे रूम का कुछ एक्सपी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।